अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कमिंग बैक। तो फ्रेंड्स, आज डे 4 है हमारे ट्रिप का और हम आज जा रहे हैं बाबूसर टॉप। अभी धूप निकली हुई है तो चेहरे उदास हो गए हैं क्योंकि उधर हमने स्नोफॉल देखने के लिए जाना था, लेकिन अब तो धूप निकल आ गया तो अब बाबूसर टॉप जाके मिलेंगे और रास्ते में कुछ मैं क्लिप्स भी डाल दूँगा। ये देखें यहाँ लोग अपने बॉटल्स को किस तरह से ठंडा कर रहे हैं। बाबूसर के करीब एक खूबसूरत एरिया है बेसर, ये बिल्कुल करीब है, यहाँ पे कुछ लोग रुके हुए भी हैं। अभी अगस्त का मौसम है इसलिए यहाँ पे सारी बर्फ जो है वो मेल्ट हो गई है, लेकिन थोड़े से और ठंडे मौसम में ये बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ होता है। ये देखिए इस कदर खूबसूरत है, ये मैं आपको जूम करके दिखाऊँ। ये बेसल, ये जगह एटलीस्ट हम यहाँ पहुँच गए हैं। देखें ये फेरी मीडोज हैं और ये सारा एरिया इसी का है। ये देखिए खूबसूरत पहाड़ और ये साइड पे इन्होंने होटल्स अरेंज किए हुए हैं। ये देखें ये बालाकोट हज़ारा होटल है, सामने एक बड़ा मशहूर होटल मून रेस्टोरेंट, यह नारान से चलता आ रहा है और इसकी एक ब्रांच इधर भी है। ये देखिए कितने खूबसूरत बने, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी यहाँ पे हो रहा है, लोग यहाँ पे बना रहे हैं अभी अपने अपने रूम्स होटल्स। आने वाले वक्तों में ये बहुत ही डेवलप हो जाएगा। और रोड देखिए आप कितनी अच्छी नीट एंड क्लीन है, स्मूथ रोड। हम इधर लोलोसर लेक पे रुके हैं, बाबूसर की एक लेक है ये लोलोसर। ये देखें कितना प्यारा व्यू है और सी ग्रीन वाटर है, देख सकते हैं आप। तो जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें सारा बहुत दूर तक है और उधर भी इसी तरह, वो देखें। 2000 years later. तो फ्रेंड्स हम बाबूसर टॉप पे पहुँच गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा कज़न व्लॉगिंग कर रहा है। और इधर बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, लेकिन पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो बहुत 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 सर्दी थी, पहाड़ों पे भी बस थोड़ी थोड़ी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो फ्रेंड्स आप व्यू देखें इधर का कितना प्यारा है और रश भी बहुत है यहाँ पे। ये देखें ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ, ऑक्सीजन बिल्कुल कम है इधर, सांस फूल रहा है। ये देखें कितना रश है, अभी हम तस्वीरें बनवाएंगे। ये देखें और भी पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक, हम बाबूसर टॉप से वापस आ चुके हैं, रात भी हो चुकी है। मैंने बाबूसर से वापसी आते हुए कोई वीडियो ही नहीं बनाई, तो बस इसी वजह से मैं बहुत थका हुआ था। अब नहा शहा लिए हैं, इधर आके नहाए, अब मेरी मम्मा खाना पका रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मेरी मम्मा मटर पुलाव बना रही हैं, ये देखें ये मटर और आलू गलने के लिए रखे हुए हैं और ये मसाले
ये कुकर और ये चावल, ये फ्रीजर है हमारा जिसमें हम चिकन वगैरह रख के आए हैं। तो इसकी बर्फ़ मेल्ट नहीं हुई थी पूरे रास्ते, क्योंकि हम इसको नमक लगा के आए थे। ये चटनी मेरी मम्मा ने बड़ी ज़बरदस्त बनाई है चटनी, ये मसाले सारे, अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मैं जब ये खाना तैयार हो जाएगा तब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चावल तैयार हो चुकी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कुकर में चावल हमने इस वजह से बनाए हैं क्योंकि गलते नहीं हैं इधर चावल। तो अब खाना खाने के बाद मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आपको मैंने खाना भी दिखा दिया था और हमारा होटल भी दिखा दिया था। ये उस होटल की नमाज का है, देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह।